उल्का गुप्ता का जन्म बिहार के सरासा में हुआ था। उल्का गुप्ता एक टेलीविजन स्टार और एक भारतीय फिल्म अभिनेती है। उल्का गुप्ता का जन्म 12 अप्रैल 1997 को मुंबई में हुआ था। उल्का की पारिवारिक पृष्ठभूमि में अभिनय पेशे से जुड़ी है, क्योंकि उनके पिता और बहन भी भारतीय फिल्म उद्योग से संबंधित है। उल्का गुप्ता ने अपनी पारंपरिक शिक्षा रुस्तामाची इंटरनेशनल स्कूल दहिसार मुंबई से पूरी की है। उल्का गुप्ता को प्रचलित रूप से मनु कहा जाता है, क्योंकि उल्का ने मनु की भूमिका निभाई थी। जीटीवी पर उल्का गुप्ता ने सौ झांसी की रानी पर युवा रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका निभाई है। बाद में उल्का गुप्ता ने उसी अनोखे शो के लिए लड़की काली की और भूमिका निभाई। उल्का गुप्ता ने टॉलीवुड फिल्म अंधापुरी में अभियान पहली प्रस्तुति दी है। इस फिल्म में उल्का गुप्ता ने प्रशंसित की ड्राइविंग भूमिका निभाई है। 2015 में उल्का गुप्ता ने तेलुगु मूवी रुद्मा देवी में काम किया था। सो रेशमा दख में उल्का गुप्ता ने शुरुआत में कैमरा स्क्रीन का सामना किया। उस समय उल्का गुप्ता ने 7 फेरे में प्रमुख भूमिका अर्जित की। उल्का ने सलोनी की लड़की सवारी का किरदार निभाया था। उल्का गुप्ता को सो झांसी की रानी में उनके उत्सुक काम के लिए व्यापक पहचान मिली है। अनुक्रम को जीवंत और सफल बनाने के लिए उल्का गुप्ता 2 महीनों तक तलवारबाजी और घुड़सवारी का अभ्यास करती है। इस प्रशिक्षण सत्र के अलावा उल्का गुप्ता ने श्लोक बोलने के लिए संस्कृत भी सीखी है। जीटीवी के ड्रामा सीरियल खेलती है जिंदगी आंखें मिचली में उल्का गुप्ता ने अनमी की भूमिका निभाई है। उल्का गुप्ता ने तेलुगु मोशन फिल्म आदापुरी में भी अभियान किया है, जिसका निर्देशन रमेश प्रसाद ने किया था। इस फिल्म में उन्होंने पूरी जगन्नाथ के बेटे अभिनेता आकाश पुरी के साथ अभियान किया है। 25 जून को यह रिलीज हो गई थी।